अभी कल शाम को मैं कुछ काम कर रहा था, तब मेरे पे एक अननोन नंबर से कॉल आया। कॉल मैंने उठाया और थोड़ी बहुत बातचीत के बाद पता चला कॉल था SVN गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यवतमाल महाराष्ट्र से। सर्जरी का फर्स्ट ईयर रेसिडेंट बात कर रहा था एंड बात करते टाइम वो लिटरली रो रहा था। अब रेसिडेंट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप MBBS के बाद MD या MS करते हो तब वो 3 साल के लिए आपको रेसिडेंट बुलाया जाता है, एंड कोई बंदा अगर सर्जरी में MS करता है तो उसको सर्जरी रेसिडेंट बुलाया जाता है। सिमिलरली मैंने भी अभी 3 साल का मेरा MS जनरल सर्जरी का कोर्स पास आउट किया है, एंड ये पास 3 साल तक मैं खुद भी एक सर्जरी का रेसिडेंट था। ऐसे ही ये स्टूडेंट ने भी 6 महीने पहले मार्च में ये कॉलेज में सर्जरी की ब्रांच ज्वाइन की हुई है, एंड तब से लेके आज तक उनके सारे कलीग्स पर इतना ज़्यादा मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर हो रहा है। फिल्मों में तो बहुत सारा रैगिंग आपने देखा होगा, आज रियल लाइफ में भी रैगिंग कैसा होता है वो देख लो। कंटिन्यूसली 48-48 घंटों तक उनको खड़े रखवा के ड्यूटीज करवाई जा रही है, ना उनको बैठने दिया जा रहा है, ना उनको सोने दिया जा रहा है। जो सीनियर्स को एक गाइड या फिर बड़े भाई बहन की तरह काम करना चाहिए, वही सीनियर्स रात को 12 बजे हॉस्पिटल में आते हैं ये एंश्योर करने के लिए कि उनका जूनियर काम करता रहे एंड सो ना पाए, इवन दो कुछ भी ज़्यादा काम ना होने के बावजूद जस्ट फालतू के काम करवाने के लिए। 48-48 घंटों की ड्यूटीज़ के बाद अगर काम करते करते सपोज उसको नींद आ जाती है तो उसके सीनियर्स उसके बाल खींचते हैं, थप्पड़े मारते हैं एंड इवन उसके मुंह पे पानी फेंकते हैं। एंड ऐसे कॉन्स्टेंट टॉर्चर की वजह से ज्वाइनिंग के सिर्फ 1 मंथ के अंदर अंदर ही उसको दोनों पैरों में सेलुलाइटिस हो गया। सेलुलाइटिस एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसमें आपके दोनों पैरों में सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, एंड अगर ये कंडीशन प्रोग्रेसिव रहती है तो आगे जाके नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस में कन्वर्ट हो सकती है, जिसमें आपके पैर को काटने तक की नौबत आ सकती है। एंड ऐसा सिर्फ एक बार नहीं, लास्ट 6 मंथ्स में उसको 3 बार ये चीज़ हुई, एंड बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग एंड रिपीटेड सेलुलाइटिस ही डेवलप्ड वेरिकोज वेन्स, जिसमें आपकी पैरों की नसें खून चढ़ाना बंद कर देती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस अगेन आपकी सूजन और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है एंड उसके अलग से और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते रहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ इट ही हैड टू अंडरगो एन ऑपरेशन इन जून। आप सोच सकते हो वो बंदे की क्या हालत हुई होगी जिसने इतनी उम्मीद से सर्जन बनने का फैसला लिया हुआ है, एंड उसके फैमिली का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली। वी आर ह्यूमन एंड वी कांट वर्क बियॉन्ड अवर कैपेबिलिटीज, एंड सो अल्टीमेटली सफर कौन करेगा? पेशेंट्स। बिकॉज वो बंदा जो 48 घंटे से बैठा नहीं है, सोया नहीं है, ऑब्वियसली उसके बॉडी एंड माइंड ने उसका साथ देना छोड़ दिया है, एंड जब उससे इतना सारा काम करने के बावजूद कंटिन्यूसली काम करवाते हो तब उससे कहीं ना कहीं मिस्टेक होने ही वाली है। कोई दवाई गलत लिख देता है या तो फिर कहीं से कोई रिपोर्ट ट्रेस नहीं कर पाता है, एंड तब अगेन यही सीनियर्स पेशेंट सिंपैथी के नाम पे इन डॉक्टर्स को अगेन गालियाँ देता है, एंड वो रियल क्रुएल्टी वाली गालियाँ होती है, दैट टू इन फ्रंट ऑफ पेशेंट्स। पेशेंट के आगे ही उनके देखते उनका ट्रीटमेंट चार्ट फाड़ देते हैं जो इस रेसिडेंट ने पूरी रात जगकर बनाया होता है। रात को 4-4 बजे पेशेंट्स की ड्रेसिंग करवाते हैं ताकि रेसिडेंट सो ना पाए। मतलब ठीक है आप अपना रिवेंज ले रहे हो या जो भी है, बट आप एक बार पेशेंट के बारे में तो जरा सोचिए। रात के 4 बजे बर्न्स के पेशेंट को इतना ज़्यादा पेन से सफर करवाने का कोई मीनिंग है क्या? जस्ट फॉर योर सेडिस्टिक सेटिस्फेक्शन आप पेशेंट की जिंदगी खराब नहीं कर सकते ना, जो ऑलरेडी इतनी खराब हालत में बेड पे लेटा हुआ है। एंड इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सो पेशेंट भी बेचारे सहन कर लेते हैं क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं होता है, पैसे होते नहीं प्राइवेट में जाके सर्वर करवाने का, सो यहाँ पे जैसे भी जो भी सर्वर मिलती है वो करवा के काम चला लेते हैं। एंड इतना सारा टॉर्चर होने के बाद भी सीनियर्स के पर्सनल काम भी करने पड़ते हैं। उनके बच्चों को घुमाने ले जाने से लेकर उनका सामान शिफ्ट करने तक की सारी जिम्मेदारी फर्स्ट ईयर को थोप दी जाती है, एंड वो सब करने की परमिशन है हैप्पीली, बट हॉस्टल जाने की परमिशन नहीं है उन्हें, क्योंकि हॉस्टल जाएगा तो फिर टॉर्चर कैसे हो पाएगा। 30-30 हज़ार रुपये महीने के कैंटीन के बिल भरते हैं ये लोग, जो पूरा खाना डिपार्टमेंट ने 1 महीने के अंदर अंदर खाया है। महीने की 40-50 हज़ार सैलरी आती है, उसमें से पूरी की पूरी सैलरी इनके पीछे गायब। एंड इट्स वैलिड बिकॉज फर्स्ट ईयर रेसिडेंट का तो कोई पर्सनल खर्चा होता नहीं है, ना इनको खाने दिया जाता है, ना उनको हॉस्टल पे जाना होता है, तो फिर सैलरी का करेगा क्या वो? सो सारा पैसा तो कैंटीन में डालना ही बेटर है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक कॉलेज की बात नहीं है, ऑलमोस्ट इंडिया के सारे स्टेट कॉलेज में मोटा मोटा यही सिनारियो है। हाँ, एम्स एंड बाकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स का वर्क कल्चर एंड एनवायरनमेंट थोड़ा सा अच्छा है, एंड स्टेट कॉलेज में ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मैं खुद ही एक सर्जरी रेसिडेंट हूँ एंड अभी जस्ट मैंने 3 साल का MS का कोर्स पास आउट किया है। लास्ट 3 साल से मैं भी सर्जरी में ही था, एंड नो वन कैन अंडरस्टैंड द सर्जिकल फील्ड बेटर देन अ सर्जन हिमसेल्फ। सर्जिकल फील्ड इज ननदलेस वेरी 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 हेक्टिक। इवन आई मायसेल्फ टेल इन माई मेनी वीडियोज दैट हाउ इन माई फर्स्ट ईयर आई वॉज नॉट एबल टू इवन स्लीप एंड ईट, बिकॉज यहाँ पर आपको OPD इमरजेंसी के अलावा रात दिन ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं, एंड गवर्नमेंट की बढ़िया कृपा से रेसिडेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बहुत ही कम है कम्पेयर टू पेशेंट लोड, एंड उसकी वजह से एक एक रेसिडेंट के पास 50-50 पेशेंट मैनेज करने के आते हैं। ऊपर नीचे आस पास हर जगह पे पेशेंट ही पेशेंट पड़े होते हैं, एंड उनके सीनियर्स ऑब्वियसली ऑपरेशंस में रात दिन बिजी रहते हैं, एंड ऊपर से गवर्नमेंट ने 2 साल तक कोरोना में NEET PG की एग्जाम्स ही नहीं ली, सो रेसिडेंट्स के नंबर और भी ज़्यादा कम। यूजुअली 3 साल की 3 बैचेस होती है, जिसकी जगह पर अभी सिर्फ 2 बैचेस ही काम पे है।
गवर्नमेंट लास्ट ईयर इवन नीट पीछे को और भी ज़्यादा पोस्टपोन किए जा रही थी, एंड उस टाइम पे भी मैंने ऐसे ही स्टूडेंट्स के सपोर्ट में एक वीडियो बनाया था जिसको आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा वायरल भी किया था। गवर्नमेंट मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि कोरोना में बाकी सारे फील्ड्स के एग्जाम्स ना लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट रेसिडेंट्स की एंट्री कभी भी रोकनी नहीं चाहिए, बिकॉज कोरोना में पेशेंट वर्कलोड और भी ज़्यादा बढ़ गया था एंड सामने रेसिडेंट्स के नंबर और भी ज़्यादा कम हो गए थे, एंड फिर भी गवर्नमेंट नीट पीजी का एग्जाम नहीं ले रही थी जिसके बेसिस पे रेसिडेंसी में एंट्री होती है। इवन स्टूडेंट्स भी रेडी थे एग्जाम देने के लिए। सो ये जो रेसिडेंट्स अभी थर्ड ईयर में है वो 2 साल से फर्स्ट ईयर वाली मजदूरी कर रहे थे एंड उन्होंने यही टॉक्सिसिटी सहन की है, 1 साल के लिए नहीं बल्कि 2 साल के लिए। एंड ऑब्वियसली जब वो थर्ड ईयर में आएंगे, जब उनका एग्जाम पास आने वाला है, तब ऑब्वियसली वो भी अपना टाइम निकालने का ट्राई करेंगे पढ़ाई के लिए। एंड जब वो ऐसा करेंगे तब काम कौन करेगा? तो ऑब्वियसली अकेला फर्स्ट ईयर बैच, क्योंकि सेकंड ईयर की बैच तो है ही नहीं। आई नो कि इस चक्कर में थर्ड ईयर्स को भी टाइम नहीं मिलता है, वो लोग भी दिन रात अपना काम कर ही रहे हैं, साथ में पढ़ाई का भी प्रेशर है। एंड ऐसे ही सारे सिनेरियोस में जब पेशेंट की केयर कॉम्प्रोमाइज होती है तब ऊपर से कंसल्टेंट डॉक्टर्स सीनियर रेसिडेंट को डांटते हैं एंड वही सीनियर रेसिडेंट्स फिर जूनियर रेसिडेंट को डांटता है ताकि काम सारा प्रॉपरली हो पाए। हमने भी बहुत सारी डांट खाई है एंड हमने बहुत सारी बार जूनियर्स को डांटा भी है, बिकॉज रिपीटेड मिस्टेक्स आर नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद अ लाइव ह्यूमन बॉडी। बट एक तरीका होता है भैया डांटने का, हम कितना भी जूनियर्स को डांट दे वो सिर्फ वर्बली होता है एंड हम उसको सिखाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना चाहिए था। एंड अगले ही 2 मिनट के बाद हम साथ में पार्टीज भी करते हैं, मजाक मस्ती भी करते हैं एंड वो लोग हमारी टांग भी खींचते हैं। इवन कई बार हम ऊपर से आने वाली डांट को अपने लेवल पे ही ऑब्जर्व कर लेते हैं रादर देन पासिंग आउट टू जूनियर्स, बिकॉज हम लोग भी देख रहे हैं कि यार वो लोग रात दिन काम कर रहे हैं, उनसे भी कितना हो पाएगा। एज अ सीनियर ब्रदर समटाइम्स इट्स ओके टू ऑब्जर्व द गालिया एट अवर लेवल ऑल्सो एंड रिस्पेक्ट द वर्क ऑफ अवर जूनियर्स टू। इवन जब हमने डिपार्टमेंट छोड़ा तब यही सारे जूनियर्स ने दिल से हमको ग्रैंड फेयरवेल पार्टी भी दिया। उनमें से बहुत सारे जूनियर्स ने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेजेस भी किए एंड लिटरली छोड़ते टाइम एक दुख हो रहा था उनको भी एंड हमको भी, एंड सेम वॉज फॉर अवर सीनियर्स टू। दिस इज हाउ यू शुड ट्रीट योर जूनियर्स एंड टीच देम। द डिपार्टमेंट इज अ फैमिली यार, दीज रिलेशंस आर द ओनली वंस यू विल चेरिश फॉर एवर। यही लोग है जो तुम्हारा आधी रात को भी कितना भी बड़ा काम होगा उठ के करेंगे एंड यही लोग है जो तुम्हारे लाइफ टाइम के लिए करीबी दोस्त बन के रहेंगे। बाकी मार्केट में तो गला काट कॉम्पिटिशन है ही है डॉक्टर्स के बीच में। हमारे कंसल्टेंट्स भी इतने अच्छे हैं यहाँ पे, we even did parties together and eat and drink together occasionally. I have made so many beautiful memories in these 3 years with this department and I just want to show the people ki if we keep our personal things aside without any mental and physical torture aise bhi kaam ho sakta hai. I totally understand ki surgical field is very hectic and thodi bahut toxicity hoti hai kahin na kahin pe, India ke USA UK Africa har jagah pe toxicity hai, but not at this level. Even I want to tell some of the consultants too कि रेसिडेंट्स आर ऑल्सो ह्यूमन, कोई गधा नहीं है जिसके ऊपर आप तू तारी करके बस गालियाँ फेंकते रहते हो। इट डजंट स्वीट्स ऑन अवर पर्सनालिटी एज अ डॉक्टर टू एब्यूज एनीवन लाइक दिस, इवन इफ इट इज अवर वर्स्ट इनेमी। स्टेट कॉलेज में से जो बंदा पास आउट होता है और अदर देन अ फैमिली एक लाइफ टाइम ग्रज लेके बाहर आता है कि बाकी सब तो ठीक था लेकिन मेरा ये सीनियर साला चूतिया था। बीइंग अ सीनियर डजंट गिव यू एनी राइट्स टू टॉर्चर एनीबडी एट दिस लेवल। पेशेंट केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट मोर देन अ डॉक्टर्स लाइफ। सारे रेसिडेंट्स इन सारी चीज़ों से गुजरते हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता है बिकॉज यू आर इन अ ट्रेनिंग पीरियड। यही सारे सीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स है जो आपको हाथ पकड़ के सर्जरी सिखाते हैं एंड अगर आप थोड़ा बहुत भी उनका अपोज करोगे या फिर आवाज़ उठाओगे तो आपको सर्जरी नहीं सिखाएंगे, आपके ऊपर और भी ज़्यादा टॉक्सिसिटी करेंगे एंड इवन और भी ज़्यादा आप उछले तो आपको बाद में फेल कर देंगे, आपका पूरा करियर बर्बाद। एंड ये बहुत बार हो चुका है पहले, रैगिंग इज इलीगल एंड बैंड इन इंडिया बट स्टिल सैडली इट इज़ एवरीवेयर एंड इवन इट इज सपोर्टेड बाय कॉलेज फैकल्टी एंड एंटी रैगिंग कमिटी टू, बिकॉज अल्टीमेटली फॉल्ट है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का। सबको पता है कि पेशेंट लोड हद से ज़्यादा है एंड सामने रेसिडेंट्स बहुत ही ज़्यादा कम, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी कॉम्पिटेंट है वो दिखाने के लिए उनको पेशेंट केयर तो दिखानी ही पड़ेगी एंड वो करेगा कौन? तो ऑब्वियसली रेसिडेंट्स। ऊपर वालों को सिर्फ पेशेंट केयर चाहिए, चाहे कोई भी करे उनसे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे रेसिडेंट सोए ना सोए, खाए ना पिए, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर डिग्री चाहिए, सर्जन बनना है तो काम करो वरना फिर छोड़ दो, बिकॉज आपके छोड़ने से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनकी लाइफ ऑलरेडी सेट है। अगर आप छोड़ देते हो तो आपका ही नुकसान है एंड सो मेजोरिटी ऑफ द रेसिडेंट्स इस चीज़ को सहन कर लेते हैं एंड जिसे सहन नहीं होता है वो या तो छोड़ देता है या तो ग्रेजुअली इन सारी चीज़ों से टॉर्चर हो रो के डिप्रेशन में चला जाता है एंड बाद में सुसाइड कर लेता है। एंड इट्स अ रियल हार्श फैक्ट, सुसाइड रेट्स इन मेडिकल प्रोफेशनल्स आर वेरी हाई एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स ओनली। इतनी सारी हैवी स्टडीज, रिपीटेड एग्जाम्स, हैवी वर्कलोड एंड साथ में मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर, हर 3 में से 2 बंदे बर्नआउट, स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन के शिकार होते हैं अपनी स्टडीज़ के दौरान। इवन आई myself faced suicidal depression in my final year of MBBS, but I survived because of my family and fiance's strong support. Although MBBS is way too chill and it's a purely college life,
बट रेसिडेंसी इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड एंड अगर आपको बड़ा डॉक्टर बनना है तो इस फेज से गुजरना ही पड़ता है। सो ऑनली मैंने जब 3 साल पहले यहाँ पे एडमिशन लिया तब मैं पूरी की पूरी मेंटल एंड फिजिकल प्रिपरेशन के साथ आया था, बट फॉर्चुनेटली यहाँ का डिपार्टमेंट एंड सीनियर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे मिल गए। ऑल्दो आई हैव हर्ड ओनली वन साइड ऑफ दिस इंसिडेंट एंड मे बी आई एम बायस्ड, बट आई हैव सीन दिस थिंग्स मेनी टाइम्स बिफोर ऑल्सो एंड आई नो बहुत सारे स्टेट कॉलेज का सर्जरी डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, विच कैन बी मेड मच मच बेटर जस्ट बाय इम्प्रूविंग अवर ओन सेल्फ। सीनियर्स भी कई बार अपनी जगह पे सही होते हैं बिकॉज बीइंग अ सीनियर इट गिव्स यू सो मच प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पेशेंट केयर एंड जब वो रिपीटेडली नहीं होता है तब आप भी टॉक्सिक बनकर जूनियर्स से काम निकलवाते हो एंड जब आपके वही सेम जूनियर्स सीनियर बनते हैं तब अगेन वो अपने जूनियर्स पे यही सारी चीज़ें गुजारते हैं। इवन दो उनको खुद भी फर्स्ट ईयर में ये सारी चीज़ें सहन करनी पड़ी थी, उनको पसंद नहीं था फिर भी। तो जब आपको पता है कि कैसा फील होता है ये सारी चीज़ों से तो क्यों अपने जूनियर्स पे अगेन ये सारी चीज़ें गुजारते हो? हाँ, जरूरत है वहाँ पे डांटो गाली भी दो बिकॉज टीचिंग राइट थिंग्स टू योर जूनियर्स इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बींग अ सीनियर, बट उसका एक तरीका होता है। जैसे हमारे पेरेंट्स भी गलत चीज़ें होने पे हमको डांटते हैं बट अल्टीमेटली दे केयर फॉर अस एंड दे विल डू एनीथिंग फॉर अवर वेलनेस। दिस लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी इज नॉट एट ऑल नीडेड एंड इट कैन बी चेंज्ड टोटली। इवन आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड स्कोल्डिंग माई जूनियर्स इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट्स। अगर मिस्टेक होती है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत समझा लेता हूँ एंड अगर ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है तो बाहर आके उसको थोड़ा बहुत डांट देता हूँ बिकॉज पेशेंट ऑलरेडी एक बीमारी से तड़प रहा है एंड जब उसको पता चलता है कि उसको ट्रीट करने वाला डॉक्टर मिस्टेक्स कर रहा है एंड इवन डॉक्टर्स में भी इतने सारे झगड़े एंड टॉर्चर हो रहा है तो वो एक नेक्स्ट लेवल ट्रॉमा होता है उसके लिए जो उसको पूरी लाइफ टाइम याद रहता है। ऑल्दो देर आर सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट डॉक्टर्स एंड मेडिकल फील्ड एंड इफ एनी एस्पिरेंट इज वॉचिंग दिस वीडियो डोंट बी डिसहार्टन्ड बाय दीज थिंग्स। Saving a life is a very precious and incomparable thing, but there are so many things that needs to be improved upon. And as your elder brother, I will always try to stand with you wherever you will be in the trouble. Let's take a pledge today that I will not harass any of my junior till this level, and I will try my best to make this family beautiful. Even though आपके साथ कितना भी ज़्यादा torture हुआ हो या फिर बुरी हालत हुई हो, आप इस ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करोगे। जो चेंज आप देखना चाहते हो वो आपको ही स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड आपने यहाँ तक का अगर वीडियो देखा होगा तो आपको समरी पता चल गई होगी कि इसका रूट है लैक ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड रेसिडेंट्स के नंबर्स अलॉन्ग विद टॉक्सिक नेचर एंड एनवायरनमेंट ऑफ सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स। इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक दीज टाइप्स ऑफ बोल्ड सेंटेंसेज स्पेशली माई सेल्फ बींग इन अ सर्जरी करियर इट सेल्फ एंड आई नो मैनी ऑफ माई सीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स ऑल ओवर द इंडिया विल नॉट लाइक दिस वीडियो बट स्टिल आई मेड इट जस्ट इन अ होप कि आने वाली जनरेशन इस वीडियो को थोड़ा बहुत सीरियसली लेके एक सिस्टम को चेंज करने में थोड़ा बहुत हिस्सा देते। इस वीडियो को आग की तरह फैला दो भैया। IAS, IPS, मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड पॉलिटिशियंस जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँचा, उनको पता चले कि ग्राउंड रियलिटी क्या है जो आपको वहाँ पे AC की चैम्बर में बैठ के नहीं दिखती है। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम टू टेक नेसेसरी एक्शंस टू इम्प्रूव दिस थिंग्स सो दैट वी कैन सेव सो मेनी डॉक्टर्स इन फ्यूचर्स गोइंग इन टू दिस टॉर्चर अगेन एंड अगेन। बार बार मेरे वीडियोज़ को देखने वाले का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।